हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने अपना वीडियो जो है वो सुबह से ही स्टार्ट कर दिया है। सुबह का काम कर रही हूँ इस समय। तो इस समय आज ये हमने जो बाहर अपने विंडो में कूलर लगा रखा है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे आराध्य के टॉयज़ रखे हुए थे और काफ़ी सामान रखा था, तो मैंने आज वो खाली किया और इसको फिर मैंने अच्छे से साफ़ किया। सारे टॉयज़ उसके जो थे वो एक पॉली बैग में रख दिए। इसके अलावा आज मैं खिड़कियाँ विड़कियाँ भी साफ़ करी, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा यहाँ मेन रोड पर घर है और धूल मिट्टी डेली का ही काम है कि आ ही जाती है, तो हर एक दिन छोड़ के तो ये खिड़कियाँ सब साफ़ करनी ही पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ये जैसे झाड़ू से झाड़ लेती हूँ और उसके अलावा कपड़े से हल्का हल्का पोंछ लेती हूँ, क्योंकि अब जब डेली डेली साफ़ करना ही है तो ऐसे ही करना होता है। तो क्योंकि धूल मिट्टी तो डेली आएगी, तो ये देखिए मैं जब भी ये ऊपर जब ये साफ़ करती हूँ खिड़कियाँ, तो ऊपर चढ़ना ही पड़ता है इसके लिए, तभी होता है। इसके अलावा मैंने ये कॉलिन ले रखा है, कॉलिन से मैं ये सब इसके मिरर साफ़ कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल अच्छे से आज साफ़ हो गए हैं, और उसको मैं न्यूज़पेपर से कर रही हूँ सब। अब मैं अंदर आ गई हूँ और अब मैं खाना बना रही हूँ। तो आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, दाल बनाऊँगी, राइस बनाऊँगी, और आज मैंने खीर भी सोचा है बनाने का, क्योंकि मंगलवार का दिन है और मैंने सोचा है कि आज मैं खीर भी बनाऊँ। तो ये जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिए हैं और तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, सरसों के तेल पर बना रही हूँ। और इसके अलावा मैंने जो टमाटर की प्योरी होती है वो बना के रखी है पहले से, उसी के अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जितने भी मसाले आप डालते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है रंग बहुत अच्छा आता है, बहुत साफ़ आता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा मसाला तेल भी छोड़ने लग गया, और ये मैंने गोभी काट के इसको मतलब मैंने पहले से धुल के और उसको गर्म पानी में डिप करके रखा है, आधा चम्मच नमक मिला के, क्योंकि इससे क्या होता है अगर गोभी में कोई कीड़ा होगा भी तो वो बाहर निकल जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन कीड़ा नहीं था, साफ़ सुथरी गोभी थी। फिर भी मैंने मतलब सेफ्टी के कारण एक तरीके से ऐसा करा। तो फिर ये देखिए मैंने यहाँ दाल भी चढ़ा दी है और ये सब्ज़ी को मैंने ढक के यहाँ पे पकाने के लिए छोड़ दिया दूसरी तरफ पे। आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ, मैं बहुत टाइम पहले ये पेंटिंग लाई हूँ, मैंने दिखाई नहीं आप लोगों को, तो ये मैं मार्केट से लेके आई हूँ, घोड़े की, जो सात घोड़े होते हैं तो काफ़ी अच्छे शुभ होते हैं। तो ये मैंने प्लेटिंग कर दी है। तो ये देखिए मैंने क्या क्या बनाया है, खीर बनाई है, दाल, चावल, सब्जी और सैलेड है, और पनीर का परांठा भी बनाया है। एवरीवन वेलकम बैक, तो वी आर बैक, हम लोग आ गए, बहुत दिन बाद आए हैं, सॉरी फॉर दैट। आजकल वीडियोस डेली नहीं जा पा रहे हैं, उसका रीज़न बता देती हूँ। कुछ दिन से मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रखा था, तो बोला नहीं जा रहा था, तो फिर मैं ऐसे में कैसे वीडियो बनाती। तो लास्ट दिवाली का गया था, लेकिन अभी मैं रेगुलर रहूँगी, रेगुलर्स मेरे वीडियोस आएंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ टच में रहिए आप सब लोग। और आराध्या स्कूल से आ गई, आराध्या से हेलो, से मैंने हेलो, पेपर के टॉयज या ये बोल रही है कि ये पेपा के टॉयज है, इसके पेपा के टॉयज है। इसने इतने दिन से इस टॉयज़ के लिए मेरी जान खा रखी थी कि मम्मा मेरे को पेपा के टॉयज़ चाहिए, पेपा के टॉयज़। तो पहले तो मैंने समझने की कोशिश करी पेपा के टॉयज़ हुआ क्या, तो फिर मैंने देखा ये यूट्यूब में जो देखती है कुछ कार्टून है कोई, उनको ये इस पिक को पेपा बोलते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ढूंढा कहाँ मिलेगा, यहाँ मार्केट में तो कहीं मिला नहीं, तो इसको ऑनलाइन से परचेज़ किया है, अमेज़ोन से मंगवाया, तो फाइनली आ गया है। तो अब ये खेलती है इससे पेपा के टॉयज़। तो ये इसकी पापा की फैमिली कहाँ है, पूरी इसकी पूरी फैमिली है, पापा की मम्मी है, पापा है, इसके दो बच्चे हैं, तो बस बच्चों का तो यही चलता है। तो मैं आपको बता देती हूँ दोपहर का समय हो रहा है, इस समय दोपहर की मैंने प्लेट लगा दी है अपनी और आराध्या की, और हम लोग अब खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो खाना पीना सब रेडी है हमारा। तो मैंने आपको अपनी प्लेटिंग दिखा देती हूँ। तो आज मैंने खीर भी बनाई है, मन कर रहा था बहुत ज़्यादा खीर बनाने का, और मंगलवार का दिन है, और मंगलवार को आपको पता है कि कहते हैं ना मंगलवार को अगर खीर बनाई जाए तो बहुत अच्छा होता है, और हनुमान जी की मैं पूजा भी करती हूँ, तो मन किया आज बहुत ज़्यादा खीर भी बनाऊँ, तो खीर भी बनाई, आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनाई, फिर हम लोग खाना खाते हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ गया है,
तो सर्दी का मौसम आ गया है, तो सर्दियों में आपको पता है कि हरी सब्जियां ज़्यादा मिलती हैं। लो बैठ गई अब ये दोबारा मेरे गोद में, मैं बात कर लूँ थोड़ा सा। हाँ ये अपना कैमरा दिखा रही है, दिखा दो कैमरा। ये तो मम्मी का कैमरा है ना। हाँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि अब सर्दी का मौसम है, सर्दियों के मौसम में ग्रीन वेजिटेबल्स आ गई है मार्केट में, पालक हो गया, बथुआ हो गया, साग, ये सब मिल रहा है। और गोभी हो गई, गोभी इस टाइम पे बहुत अच्छी आती है और बहुत मतलब काफ़ी मात्रा में मिलती है। और कौन कौन सब्जियां हैं, लौकी वोकी, मतलब सर्दियों में तो सब्जियां सभी आती है अच्छे से। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल कई सब्जियों में दवाइयां भी डाल रहे हैं इंजेक्शन से, और कई सब्जियों में प्रॉपर तरीके से पानी नहीं जाता है, तो उस वजह से क्या होता है उसके अंदर कीड़े निकल जाते हैं कुछ अलग तरह के। तो मैं आपको कुछ कुछ सब्जियों के बारे में बता देती हूँ जिनके बारे में मुझको नॉलेज है, उनके बारे में बता रही हूँ, बाकी के बारे में मुझे नहीं पता तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी। सबसे पहले तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग बाहर जंक फूड खाते हैं, चाइनीज़ खाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, क्योंकि जो चाइनीज़ आइटम है उसमें एक तो सबसे पहले मैं बंद गोभी के बारे में बोलना चाहूँगी कि बंद गोभी जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि जो बंद गोभी का कीड़ा होता है वो कभी मरता ही नहीं है। जैसे ये बंद गोभी है, तो बंद गोभी का जो कीड़ा होगा ना, उसको आप अगर ऐसे चाकू से भी काटेंगे, उसके जितने पीसेस होंगे उतने वो पनपते रहेंगे, मतलब उतने जितने पीसेस करोगे उतने प्रोड्यूस हो जाएंगे वो और ज़्यादा, तो वो कभी मरता नहीं है, मतलब वो तो उसके अंदर जीवन है, वो कभी नहीं मरेगा। आप कितना भी उसको करो, इतना पतला सा धागे जैसा वाइट कलर का कीड़ा होता है बंद गोभी में, वो दिखता भी नहीं है। अगर किसी को इनकेस दिख भी जाता है और आप उसे काटने की कोशिश करोगे तो वो उतने ही मात्रा में, मतलब अगर आप उसके 10 हिस्से करोगे तो 10 के समझ लो कितने हिस्से हो जाएंगे, और भी बढ़ता जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो बंद गोभी होती है वो चाइनीज़ फूड में तो डलती है, जैसे कि स्प्रिंग रोल में, मोमोज में और चाउमीन में, इनमें तो बिना बंद गोभी के तो ये होता नहीं है। तो इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, अपने घर पे बनाइए आप, ठीक है, या कहीं आप जा रहे हैं ऐसी जगह तो आप उन लोगों से बोल सकते हैं कि भाई आप आपके उसमें वो बंद गोभी ना डालें, ठीक है। क्योंकि देखिए घर में तो आप एक एक पत्ता छाट के उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसको अच्छे से धुल सकते हैं साफ तरीके से, लेकिन बाहर आप कहीं रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, किसी होटल में खा रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, वहाँ तो आपका आपको पता नहीं है ना कि वहाँ पर उन्होंने इसको साफ़ किया भी है, कैसे काटा है, इसलिए बोल रही हूँ। सेकंड ये वाली फुल गोभी, तो फुल गोभी का आपको बता देती हूँ, जो फुल गोभी है, जैसे मैंने ये वाली फुल गोभी ली, एकदम क्लीन है, ये साफ़ सुथरी है, कोई बाहर से कोई मतलब दाग धब्बा भी नहीं है, कोई जैसे वो कुछ गंदा गंदा होता है ना, जो चाकू से खरोचना भी पड़ता है, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इसको हम जब काटेंगे तो उसको मैं ढंग से एक एक पूरा अच्छे से छील छील के मतलब देखूँगी इसको, मतलब इसके अंदर झाक झाक के देखूंगी। इसके अलावा भी मुझको एट द एंड तक भी मुझे मतलब लास्ट तक भी मुझे बहम रहता है कि पता नहीं कहीं कोई कीड़ा ना हो यार, तो मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी कर देती हूँ। गर्म पानी किया आपने, उसमें आपने थोड़ा सा नमक डाला आधा चम्मच, और उसके बाद जो गोभी काट के आपने रखी है इसको उसमें आपने डिप कर दिया। इसको कम से कम आप जैसे कि 15-20 मिनट में रख दीजिए, और हो सके तो एक बॉईल आने तक इसको भी रहने दीजिए इस पतीले के अंदर। तो एक बॉईल आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, अगर इन केस कोई भी अगर कोई भी कीड़ा रह गया होगा तो वो क्या होएगा, बाहर आ जाएगा, ऊपर तैरने लग जाएगा और आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप बहुत सेफली खा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बंद गोभी बताया वो तो आपको अगर आप घर पर भी अपने लाते हैं तो उसको फिर एक एक पत्ता छाट के उसे ढंग से धुल के, और एक एक पत्ता मतलब बस समझ लीजिए आपको अपनी आँखें उस गोभी के अंदर डाल देनी है कि जिससे कि आपको एक एक पत्ता आप छाट सकें। तो हम तो नहीं खाते हैं वो वाली गोभी, हमने तो बहुत सालों से नहीं खाई है, मतलब मुझको तो कम से कम 6 से 7 साल हो चुके हैं वो गोभी छोड़े हुए। तो मैं तो मतलब वो वाली बंद गोभी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है डर बहुत ज़्यादा है। इतना तो मतलब मैं छाट छाट के देख नहीं सकती कि मतलब एक एक पत्ते में कीड़ा है भी या नहीं है। सेकंड मैं आपको बता देती हूँ, आजकल जो पालक आ रहा है, पालक में भी कीड़े निकल रहे हैं, और पालक के कीड़े कैसे होते हैं, बिल्कुल पालक के जैसे ही होते हैं, जैसे पालक के पत्ते की शेप होती है ऐसे ग्रीन कलर की, इस टाइप की शेप होती है, वो कीड़ा भी ऐसे ही शेप का होगा, ग्रीन कलर का,
बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, आप गैस भी नहीं कर सकते कि ये पत्ता है या कीड़ा है। वो चुपचाप बैठा रहेगा ऐसे उस पत्ते के ऊपर, तो बिल्कुल सेम शक्ल के होते। तो उसमें भी आपने ऐसा करना है, पालक को तो ये कि यार सर्दियों में साग भी बनाना है, और जो धपड़ी भी बनानी है, जैसे हम गढ़वालीज होते हैं हमें धपड़ी बोलते हैं, धपड़ी बनानी होती है, हरा साग बनाना होता है, और पालक के तो बहुत सारी चीज़ें, मटर पनीर हो, सॉरी पालक पनीर हो गया, ये सब बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपने एक पालक की गट्टी ली, उसको एक एक करके, उतना समय तो होता है कि पालक ज़्यादा तो होता नहीं है गट्टी में, एक एक पालक को लेके उसको अच्छे से नल के नीचे प्रॉपर तरीके से साफ करके धुल के, अपने हाथों से धुल के, उसके बाद उसको लास्ट में फिर उसको हल्के से गुनगुने पानी में डिप कर दो, हल्के से गुनगुने पानी में डिप कर दो बस। उसके बाद उसको निकाल दीजिए और फिर उसको आराम से काटिए और उसे खाइए, तब कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका भी आपको ध्यान रखना है कि वो कीड़ा ऐसा है कि वो चिपका रहता है, इसीलिए आपको अपने हाथों से धुलना है उसको बहुत अच्छे से। सेकंड बता देती हूँ मैं आपको, लौकी। हम आजकल सर्दियों की लौकी, ये सब चीज़ें आप लाओ तो लौकी का एक इतना सा पीस काट के उसको एक बार चख लो, अगर वो कड़वा हो रहा है, अगर खट्टा सा लग रहा है आपको, कड़वा सा लग रहा है, अजीब सा टेस्ट लग रहा है, तो आप उसको प्लीज़ मत बनाइए बिल्कुल भी, क्योंकि वो क्या होता है, वो ख़राब हो जाती है वो लौकी। और अगर वो हल्का सा ठीक है, वो मतलब नॉर्मल है, मीठा तो नहीं होगा लेकिन ठीक है, मतलब खाने लायक, तो फिर आप उसको फिर बना सकते हैं। तो लौकी का तो मतलब लौकी को पहचानना ये होगा, बता देती हूँ मैं आपको हरा धनिया का। ये देखिए ये हरा धनिया है, हरा धनिया की पहचान बता देती हूँ। ये हरा धनिया है ना, ये फैला हुआ है ना, ये बिल्कुल फैला हुआ है, एक हरा धनिया ऐसा आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है वो, लेकिन वो मतलब लोग उसको ऐसे करके बेच रहे हैं कि वो हरा धनिया, लेकिन वो हरा धनिया नहीं है, वो थोड़ा सा क्या है कि जैसे ये फैला हुआ है, वो फैला हुआ नहीं है, वो गोलाई पे है, तो उसको भी मत लीजिएगा, इस तरह का लीजिए जो फैला हुआ होता है हरा धनिया। बाकी तो बस अब सर्दियाँ आ गई, अपना ख्याल रखिएगा और खूब कपड़े पहनिए और ठंडी ठंडी चीज़ों से बचिए जैसे। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय कर दो, बाय।